बिल्कुल डरे नहीं, कुछ भी मंगा नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ जैसे गुरु जी रखना चाहेंगे, जैसे भगवान रखना चाहेंगे। कि गुरु वैष्णव के ऊपर यहाँ रिप्लाई पड़ता है कि कैसे उनका इस होता है अनकंडीशनल सरेंडर होता है। जो शरणागत भी होता है वो उसमें कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल सरेंडर। तो यहाँ पे रिप्लाई पड़ता है कैसे उनका गुरु बंधु के चरणों में अनकंडीशनल सरेंडर था। मैं आपके शरण में आता हूँ, मुझे आपको भरण पोषण करना पड़ेगा, ये बात नहीं। जैसे जो शरणागत का सड़क रक्षण है, छह रक्षण है, उसमें वो एक आते हैं बहुत युक्त भरण। अर्थात फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पशु को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाए और जो पशु जिसके पास बिक गया उस पशु का तब और कोई वो नहीं रहता कि मुझे आप ये वाला खिलाओगे, मेरे भगवान का मालिक था मुझे ये खिलाता था तो आपको भी ये मुझे खिलाना पड़ेगा, आपको मुझे ऐसा रखना पड़ेगा, उसका कोई कंडीशन नहीं रहता था। जो मालिक उसको ले गया वो उनको जिस प्रकार का रखना चाहते हैं वो पशु उनके पास रह जाते हैं। तो उसी प्रकार जो वास्तविक रूप में शरणागत होते हैं उस प्रकार का ही होता है, अनकंडीशनल। गुरु वैष्णव के निकट में अगर शरणागत हम हुए तो कोई कंडीशन नहीं रहती थी। जैसे श्री भक्ति शक्ति सीधा गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं, जो सरेंडर होता है उसका लक्षण है, तीन लक्षण है, नो क्वेश्चन नो इंक्वायरी नो डाउट। जिनके शरण में लिए नो क्वेश्चन नो इंक्वायरी नो डाउट। तो उस प्रकार गुरु महाराज जी का भी वहाँ शरणागत ही दिखाई पड़ता है। और उसके पश्चात जो सबसे लक्ष्य करने की बात है, जब चिकन पक्ष होता है तो वहाँ बहुत अधिक कष्ट होता है, शरीर में पीड़ा होता है, बहुत सारे लोग बहुत कष्ट पाते हैं। किंतु गुरु जी उस समय में यदि उनको भी चिकन पक्ष हुआ है किंतु वो उस कष्ट को कष्ट रूप में नहीं देख रहे, उस अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे। कैसे गुरु जी मंगल करते हैं, उस समय मेरे मन में भावना आया, अरे मैं तो सब समय गुरु महाराज जी की सेवा में नियोजित रहता हूँ सुबह से शाम तक, और मुझे ग्रंथ पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलता। ग्रंथ पढ़ने का दुख की बात है, अच्छी से जैसे हरिनाम करना आदि वगैरह करना, उस प्रकार में मुझे इतना टाइम नहीं निकाल पाता। इसलिए तो मेरे लिए एक सुबंध सुयोग है कि क्योंकि मुझे चिकन पक्ष हुआ है इसलिए मैं कोई सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी ग्रंथ पढ़ता हूँ। ये अवसर लूँ मैं उनको ग्रहण कर लूँ। इसीलिए परिस्थिति जो महापुरुष लोग होते हैं और जो साधारण लोग होते हैं उनमें यह अंतर है कि जो खराब परिस्थिति है वो उनके सामने भी आता है, ऐसा नहीं कि उनके सामने परिस्थिति नहीं आता, हमारे सामने भी आता है, क्योंकि वो परिस्थिति को कैसे सामना करना, उनको परिस्थिति के साथ जो डील करना वो हमसे बहुत खराब होता है। इसलिए गुरु महाराज जी उस समय दुखी होने की बजाय दुखी नहीं हो रहे, उल्टा प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे क्या हुआ, सुयोग मिल गया ग्रंथ पढ़ने के लिए। इसलिए उन्होंने गुरु जी ने बोले मैं कुछ दिन 7-8 दिन कुछ था जिसमें मैंने पूरा चैतन्य चरितमृत ही पढ़ा था, पूरे 24-24 घंटा में ग्रंथ ही पढ़ता था, यहाँ तक कि मैं इतना ग्रंथ पढ़ता था मुझे देख करके हमारे जो कृष्ण केशव प्रभु थे जो कृष्ण प्रभुपाद जी के शिष्य थे उन्होंने बोले, और अन्य अन्य जो जो मठवासी थे उनको बोले अली प्रभु को बोलो इतना भी मत पढ़े, पूरा दिन भर ऐसे पढ़ते रहते चाहे उनका काम खराब हो जाए, 24-24 घंटा ग्रंथ ही पढ़ते रहते। तो गुरु जी बोले कि उसमें गुरु जी बोल रहे कि एक तो मैं उसको सुयोग के रूप में ग्रहण किया कि हाँ ये तो मेरे लिए बड़ा सुबह सुयोग ग्रंथ पढ़ सकता हूँ, और ऊपर से बोल रहे मैं ग्रंथ पढ़ते पढ़ते इतना उसमें निमज्जित हो गया, इतना डूब गया, मैंने जो बाहिक शरीर में जो कष्ट था वो मुझे पता नहीं लगा, वो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे चिकन पक्ष हुआ इतना कष्ट हो रहा है, मैं ग्रंथ में एकदम ऐसे निमज्जित हो गया। तो इसलिए जैसे कि जो श्लोक गुरु जी बोलते थे तत्कंपा सुसमिष्मा, ये उनके जीवन में साक्षात रूप में दिखाई पड़ा कि कैसे अनुकंपा ही देखते भगवान का, ये नहीं कि प्रभु मैं आपका सेवा कर रहा हूँ इतना कष्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, नहीं ये तो अनुकंपा है, ये तो मुझे सेवा करने का सुयोग है, सुयोग ही प्राप्त हो गया। तो ऐसे बहुत सारे और एक दूसरे समय में कि जब एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का व्रत था और उस समय परम गुरु महाराज जी की इच्छा था जो आज जो कि नरसिंह चतुर्दशी का व्रत है इसीलिए आज ऐसा इच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे उसमें कलकत्ता में थे और हम लोग में क्या क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा है कि हम लोग नरसिंहदेव को भोग ही भोग लगा करके नरसिंहदेव को खीर से पारण करेंगे। तो उनके जो अन्य अन्य शिष्य लोग थे परम गुरु जी उनको पूछे कि आप जाकर ला सकते हो खीर भोग लगा करके, खीर ला सकते हो नरसिंहदेव से, तो उनके जो शिष्य लोग थे बड़े गुरु महाराज जी हम ला तो सकते हैं क्योंकि अभी बहुत अधिक देरी हो गया है, क्योंकि कलकत्ता से नरसिंहपल्ली जाना ट्रेन से बहुत दूर है, बहुत समय लगता है, और वहाँ जाना सामान खरीदना खीर बनवाना खीर भोग लगा कर लाना बहुत देरी हो जाएगा, कुछ उस समय पहले ही बोलते तो क्या हो जाता हम लोग शायद ले पाते, अभी हम इसलिए जा नहीं पाते। परम गुरु महाराज जी उसको श्रवण करके हमारे गुरु जी उसको श्रवण करके
परम गुरु जी की इच्छा है, तुरंत ही बिना किसी सोचे समझे निकल पड़े नरसिंह करने के लिए भोग लगा में, और वहाँ जा कर के चावल खरीद किए और दूध चीनी सब करके चावल खीर बनवाए। वहाँ खीर भोग लगा कर जब मठ में पहुँचे तो उसमें बहुत देरी हो गया था, बहुत रात हो गया था, और जो प्रसाद था नरसिंह शाम को प्रसाद पाते हैं, जो शाम का जो प्रसाद था वो प्रसाद भी खत्म हो चुका था। जो भंडारी थे वो किसी कारणवश भूल गए थे प्रसाद करने, तो प्रसाद खत्म हो गया था। गुरु महाराज को पता लगा कि प्रसाद खत्म भी हो चुका है, और उन्होंने सुबह से कुछ पानी भी नहीं पिए, क्योंकि अभिषेक के बाद नरसिंह देव से जलकांत ग्रहण करके फिर पानी पी गए, फिर अभी तक कुछ भी नहीं थे, तो सुबह से कुछ जल भी नहीं ग्रहण किया थे। लेकिन शाम को जब आकर के पहुँचे और आके जब उनको पता लगा कि प्रसाद भी नहीं है, तो उनके मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ कि मेरे लिए प्रसाद नहीं है, काम इतना कष्ट करके दिया, सेवा किया, उनके मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने उसको भी एक सौभाग्य के रूप में देख लिया कि अरे यार आज तुम्हारा बड़ा सौभाग्य, आज तुमने क्या हुआ दर्शन देव के दर्शन चतुर्दशी मुझे निर्जला देने का अवसर प्राप्त हो गया, आज मैं निर्जला ही प्राप्त करूँगा। इसीलिए ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जहाँ जैसे कि जो भाव का लक्षण है उसमें बोलते हैं शांति अव्यक्त आदत निरंतर मानव सुंदरता, तो उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो बोलते शांति। शांति शब्द का अर्थ होता है जब ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति आकर उपस्थित होता है जहाँ हृदय में क्षोभ उपस्थित होने का कारण नहीं बनता है, क्षोभ होनी भी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई गलती हमारा कोई गलती नहीं है, किसी दूसरे का गलती नहीं, या ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति अगर उपस्थित होता है जहाँ क्षोभ हृदय में क्षोभ उपस्थित होने का सब कारण विराजमान है, तब भी हृदय में क्षोभ उपस्थित नहीं होता, उसको बोलते हैं शांति। यहाँ तो क्षोभ की तो बात ही अलग है, यहाँ तो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है कि कैसा ये मेरा सौभाग्य है, आज मुझे क्या हुआ नरसिंह देव के नरसिंह चतुर्दशी में नरसिंह देव का व्रत करने का वो भी निर्जला सौभाग्य प्राप्त हुआ, ना कि कोई मेरा मेरे साथ कोई असुविधा हुआ है। तो इस प्रकार की गुरु महाराज का जो जीवन चरित्र था वो ऐसे आदर्शमय था, पूरे जीवन में उनका जो छोटे छोटे क्रियाओं की शिक्षाएं मिलती है, एक एक ऐसा वाला जीवन चरित्र आज तक हम सुना नहीं गया। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि मैंने क्या किया कितना भी बताओ, जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि चैतन्य चैतन्य बना आया शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, वो दोनों अभिन्न है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को दोनों को अभिन्न देखनी चाहिए। वो अभिन्न कैसे देखें उसका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई है तो गुरु महाराज ने जीवन में बताया प्रैक्टिकली, वो अपने कथाओं के माध्यम से अपने जीवन चरित्र में सब प्रकार के उनके व्यवहार में उनके जो शिक्षाएं गुरु में गुरु थे जो गुरु पर कृष्ण गोपाल जी जो सब शिष्य वर्ग थे जो किसी ने गुरु महाराज उनको शिक्षा गुरु बोलकर संबोधन करते थे, जीवन में उनको दिखलाना पड़ता है कि उनके लिए कैसे उनका भावना था और उनके लिए कैसे उनका समर्पण था, कैसे उन्होंने सेवा की शिक्षा गुरुओं का भी अत्यंत निष्ठा के साथ, जैसे अपने गुरुदेव का सेवा करते हैं। अगर जैसे वो जो ग्रंथ थे माई बिलॉन्ड मास्टर मेरे परम स्नेही प्रभु और उसमें अगर पढ़ेंगे तो वास्तविक रूप में ये पता लगता है कि शिक्षा गुरु कहते भी किसको और उनकी सेवा भी कैसे किया जाता है, और उनको जैसे मुंह से बोलते शिक्षा गुरु किंतु अपने जीवन में दिखाई नहीं पड़ता किसी व्यवहार में, लेकिन गुरु महाराज का जीवन ऐसा नहीं था, अपने व्यवहार में सब समय कुछ भी चीजें वो बोलते थे उनके व्यवहार में दिखाई पड़ता था। इसलिए ऐसे उनके अनेक अनेक आदर्शमय जीवन चरित्र हैं और कैसे उन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा की, कैसे उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं किए। जैसे कि अगर पूरी था तो पूरी में प्रभु जी हमारे सिंगानी प्रभु, तो उनको तो पता लगा कि हम लोग गुरु महाराज से विकसित है, तो वो बोल रहे थे कि गुरु महाराज जो भक्ति विज्ञान भारती उस समय महाराज की जो सेवा उन्होंने की है वो ना भूतों ना भविष्य की, हम ऐसा मालूम करते कि ऐसा ही उन्होंने सेवा की है, क्योंकि हम लोग ने आंखों से देखे कि ना भूतों ना भविष्य की ऐसा कोई सेवा कभी किया है कोई, ऐसा हमने सुना भी नहीं है। यद्यपि सबका अलग अलग वैशिष्ट है लेकिन सब गुरु वर्गो का, किंतु जब वैष्णव की सेवा की बात आता है, जब गुरु गुरु की सेवा की बात आती है तो इस भावना से सेवा करते हैं जो कि कभी ऐसा सुनने भी नहीं आया। जैसे कि जब जगन्नाथपुरी में थे गुरु महाराज जी, तब उनकी जब
चैतन्य गुरु का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वो कंस्ट्रक्शन का दायित्व गुरु महाराज भी देते। तो कंस्ट्रक्शन देखते देखते एक बार क्या हुआ था, कुछ पत्थर या ऐसे कुछ ईंटे कुछ गिर गया था कंधों पर, सीमेंट की बोरी गिर गया था कंधों पर, जो भी कंधा कमर पर गिर गया था, कमर टूट गया था। और डॉक्टर ने उनको बोले थे स्ट्रिक्टली कि आप क्या करना, ऊपर चढ़ाई मत करना, ज्यादा भारी सामान उठाना नहीं, ये सब चीज़ें उनको बोला गया। तो जब चैतन्य गौड़े मठ जब प्रतिष्ठा हो गया, उनका जब गुंबद का स्थापना करना होगा, जब झंडा लगाएंगे ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ कोई भी नहीं थे, तो इसलिए गुरु महाराज जी स्वयं ऊपर चढ़े थे। वो सिंगालिया को वो फोटो भी दिखाते हैं, तो आपने गुरुजी कैसे ऊपर चढ़े हुए। और गुरु जब ऊपर चढ़ने लगे, उनको अपने गुरु भाई लोग बोले महाराज जी आपको डॉक्टर ने मना किया कि आपको ऊपर नहीं चढ़ना, और क्या कि आप वो जो कमर तो टूटी हुई है, इसलिए डॉक्टर ने स्ट्रेट किया, मना कि ऊपर चढ़ना नहीं, कोई कुछ असुविधा हो सकता है। गुरु महाराज जी बोले असुविधा सबसे ज़्यादा असुविधा क्या हो जाएगा, वो होगा कि मरने होगा। अगर गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए अगर मैं प्राण भी नहीं जाएंगे तो सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा सौभाग्य तो है ही नहीं, इसलिए करते तो सेवा कोई असुविधा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मरी तो जाऊँगा, किंतु गुरु वैष्णव की सेवा करते करते मरना चाहता हूँ। तो इसलिए कैसे गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए उनकी भावना थी, तो इसलिए आज उनकी इन पावन तिथि पर यदि भी हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई सेवा त्रुटि भी नहीं है, और ना हमने उनका भी किस प्रकार की सेवा की है, किंतु उनके चरण में यही प्रार्थना है कि उनका जिस प्रकार का आदर्श का जीवन था, और उनकी वो जिस प्रकार के गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित थे, सेवाएं करते थे, तो उसका किंचित मात्रा पर हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो, ताकि हम भी उनके आदर्श को पालन कर पाएंगे। हरे कृष्ण बांझा के पत्र से कृपा सिंधु थोड़ा कुछ उनकी महिमा गान करके उनके नाम की जयध्वनि गुरु महाराज जी दिया करते थे।
तो गुरु महाराज जी का एक निर्देश सब समय के लिए जो कहते थे कि जो बद्ध जीव है, जो साधन भजन जो कर रहे हैं, साधन भजन करने में जो सबसे बड़ी जो बाधा आती है, अगर कोई निष्कपट रूप से प्रयास कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, यदि निष्कपट रूप से सिंसियर होकर कोई साधन भजन कर रहा है, तो एक बाधा आती है हमारे अनर्थ, बद्ध जीव के जो अनर्थ हैं, जो कि भजन में बाधा है, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, किंतु वो सारे के सारे अनर्थ कैसे भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे अनर्थ वैष्णव की सेवा करने से सारे के सारे दूर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग श्रवण भी करते हैं कि जो मुक्त महापुरुष होते हैं, जब हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी गुणावली का कीर्तन करते हैं, शिविंद्रांगा स्थापति ने एक प्रयाग में जो लिखा और प्रभुपाद ने उसकी टीका में अनुवाद किया, उसमें क्या होता है, बद्ध जीव की जो बद्धता है वो क्या होती है, विशेष रूप से दूरीभूत होती है। तो इसलिए जब मुक्त महापुरुषों की हम लोग गुणावली का हम लोग कीर्तन करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं किसी प्रकार से, तो हमारे भजन मार्ग की जो सबसे बड़ी जो बाधा है, हमारे जो अनर्थ हैं, उसमें भी प्रतिष्ठा की आशा हो, चाहे कपटता हो या फिर काम हो, लोभ हो, ये जो छेद जो षड्रिपुण हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, दूर होते हैं, जिसको कि साधक अपने प्रयास से कभी दूर नहीं कर सकता। साधक अपने प्रयास से दूर नहीं कर सकता, साधक इनको दूर करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि चेष्टा करने में उसको सफलता कब मिलेगी, जब उनको उसको गुरु वैष्णव की कृपा की प्राप्ति होगी। अपनी चेष्टा से होता नहीं, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति पूरे लघु संसार नहीं। कृष्ण भक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि संसार का क्षय भी नहीं होता जब तक मुक्त महापुरुषों की हमारे पर कृपा नहीं होती। तो इसलिए बद्ध अवस्था में, यदि भी सिद्ध अवस्था में सब समय, किंतु बद्ध अवस्था में तो विशेष रूप से भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करने की अपेक्षा क्या है, वैष्णवों का नाम गुण कीर्तन का अधिक महत्व है। इसलिए गुरु महाराज जी जब भी किसी ग्रंथ का पाठ करते थे, हरिकथा का परिवेशन करते थे, किसी वैष्णव की तिथि जब आती थी, तो गुरु महाराज जी क्या करते थे, उस तिथि का विशेष रूप से पालन करते थे। और आज हम लोग देखते हैं गौड़ी वैष्णव में या फिर जो भी भक्त लोग किसी प्रकार से गुरु महाराज जी के संपर्क में आए, यद्यपि ऐसा नहीं कि इससे पूर्व जो जो वैष्णव तिथियों का पालन नहीं करते थे, शिला गुरुदेव का हम लोग श्रवण करते हैं, वो भी वैष्णव तिथियों का पालन करते थे, किंतु हर एक वैष्णव एक वैशिष्ट होता है। जैसे श्रीमती राधारानी का जो महिमा का जो गान है, ऐसा नहीं कि गुरुदेव के अतिरिक्त और किसी वैष्णव ने नहीं किया, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी कथा हम लोग श्रवण करते हैं, शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी, शिला प्रभुपाद जी कथा, परम गुरु शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, बहुत दूर दूर बहुत उच्च स्तर की बातों का उन्होंने वर्णन किया, किंतु गुरुदेव ने उसके ऊपर बहुत अधिक फोकस किया। इसी प्रकार से गुरु महाराज की जो हरि कथा है, वो बहुत विशेष रूप से जब भी श्रवण करेंगे, तो उस कथा को श्रवण करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी प्रभुपाद के जो परिकर हैं, जो भी महाप्रभु के जो परिकर हैं, अपने आप से क्या होगी, उनके प्रति श्रद्धा हमारी और अधिक वर्धित होगी, क्योंकि गुरु महाराज जी उसके ऊपर बहुत अधिक फोकस करते थे। इसलिए जब एक जो बद्ध जीव जब इन वैष्णव की जब किसी प्रकार से सेवा करता है, तब उसके अनर्थ क्या होते हैं, इसके अनर्थ दूर होते हैं, जिसको अपने प्रयास से कभी दूर नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी एक प्रयास को बार बार बुला करते थे। एक समय एक भक्त गुरु महाराज जी के पास में आए, गृहस्थ भक्त थे, और गुरु महाराज जी उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं बहुत समय से गृहस्थ आश्रम में, मेरे विवाह भी हो गया है, किंतु मैं देखता हूँ मेरा अभी तक काम नहीं जाता, मेरा काम भी बहुत प्रबल है। तो गुरु महाराज ने कहा इसमें चिंता करने की बात क्या है, कि बाबा खरीदते पा रहे काम क्रोध साधे के रही, यदि है साधु जनार्दन सब समय साधु संग में रहोगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साधु संग रहने से क्या होगा, ये सब चीजें अपने आप से ही दूर हो जाएंगी। श्री रामण आचार्य जो कि श्री संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, वो कह रहे हैं कि यदि साधक अपनी चेष्टा से किसी अपने अनर्थ को दूर नहीं कर पा रहा है, यदि सब समय साधु संग रहेगा, तो उसका अनर्थ अपने आप से कब दूर हो गया उसको पता भी नहीं चलेगा। साधु संग एक इतना पावरफुल एक टूल है इस प्रकार का, उनके संग रहने से अपने आप सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो गुरु महाराज जी का तो बहुत विशेष कि सब समय साधुओं की महिमा, भक्तों की महिमा, प्रभुपाद के परिकरों की महिमा, यहाँ तक कि उनके सतीर्थ वर्ग
और सतीश धवन की बात को क्या कहना, उनसे बहुत कनिष्ठ जो बहुत बाद में मठ में आए उनको भी क्या करते, सब समय वैष्णव के दृष्टिकोण से देखते थे। जैसे कि गुरु महाराज स्वयं कहते थे कि मैं जब से मैं मठ में आया मैंने अपने गुरु जी से अर्थात हमारे परमगुरु जी श्री श्रीमद शिला भक्ति दैत महाधव गोसे महाराज जी उनसे शरण किया। उन्होंने क्या कहा कि वैष्णव हमारे सेव्य हैं, वैष्णव की सब समय क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी कहते जब मैं मठ में आया तो मैंने देखा मेरे साथ जितने भी हैं गुरु भाई हैं या बात कोई भी आ रहा है ये सब के सब वैष्णव हैं। तो गुरु महाराज का दृष्टिकोण कैसा, उन सबको वैष्णव देख करके इन सब तो मेरे सेव्य हैं, यद्यपि सब समय यथायु के सेव्य तो रहेगा, ऐसा नहीं कि उनको भी गुरु महाराज की अपने गुरुजी की गद्दी पर उठा के उस प्रकार सेवा कर रहे हैं, किंतु यथायु के सम्मान तो सबका एक वैष्णव चित्त सम्मान है वो करते थे और सबको वैष्णव के रूप में देख करके क्या करते थे, कभी किसी से हास परिहास नहीं करना क्योंकि सेव्य है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ तो हास परिहास नहीं होगा। तो एक इस प्रकार का एक कहते हैं कि नेचुरल स्वाभाविक गुरु महाराज की इस प्रकार की प्रवृत्ति। तो इसलिए गुरु महाराज क्या करते थे, सब समय अपने आचरण के द्वारा अपनी शिक्षाओं के द्वारा हरि कथा के माध्यम से सब प्रकार से क्या करेंगे वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देते थे। क्योंकि हमारे लिए इस अवस्था में जो अगर कहा जाए एक फाउंडेशन जो नींव है हमारी भक्ति आचरण की जो नींव है वो सारी की सारी कहाँ से प्रारंभ होगी, सारी की सारी वैष्णव सेवा से। जब तक हम लोग गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर सकते तब तक हमें ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती। यद्यपि जो भक्तों की जो कैटेगरी बताई गई है कनिष्ठ वैष्णव मध्यम वैष्णव उत्तम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण बताया गया कि उसकी क्या होती है ठाकुर जी से अधिक भगवान से अधिक भक्तों से अधिक क्या होती है उसकी भगवान में श्रद्धा होती है, उसकी अभी भक्तों के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होगी कनिष्ठ उसमें, किंतु शिला भक्ति और ठाकुर वहाँ भी वर्णन कर रहे हैं क्योंकि कम से कम वो भगवान के जो विग्रह हैं उनको नित्य मानता है, इस कारण से उसको कनिष्ठ की कैटेगरी में रख दिया गया है। नहीं तो जो अभी भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता ऐसा कभी संभव कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी भगवान के प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती। तो वो तो एक अलग दृष्टिकोण से अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिया गया है। इसलिए प्रारंभ हमारी भक्ति की जो एक कहा जाए रीड या भक्ति का जो फाउंडेशन जो नींव वो क्या है, प्रारंभ होगा वैष्णव सेवा से। तो गुरु महाराज इसके ऊपर बहुत फोकस करते थे और किस प्रकार से गुरु महाराज ने अलग अलग प्रकार से सेवा किया, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस प्रकार गुरु महाराज की सेवा किया करते थे। जैसे कि अभी रवि मोहन प्रभु जी बता रहे थे कि कंधे में चोट लगी थी तो तब भी किस प्रकार से सेवा करने के लिए मंदिर के जो शिखर पे चक्र की स्थापना करने के लिए चढ़ गए, जबकि वहां पे बहुत सारे भक्त हैं और गुरु महाराज जी को भाई दृष्टिकोण दिखा रहे असुविधा भी है शरीर में किंतु तब भी सेवा करने के लिए किस प्रकार से चले गए, या इन्होंने जो अलग अलग प्रसंग बताए कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां हुई। तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में क्या किया गुरु महाराज, किस प्रकार से सेवा किया करते थे गुरु महाराज जी अपने जीवन के कुछ एक प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहते थे कि उन्होंने किस प्रकार से सेवा किया। जब गुरु महाराज जी नई नई मठ में आए थे तो परम गुरु जी ने गुरु महाराज जी को मायापुर का कुछ दायित्व दिया था सेवा का, वहाँ के निर्माण करेगा। तो उस समय वहाँ पे एक टीन का शेड, तो टीन के शेड पे ही लगा करके उसके नीचे रह करके गुरु महाराज जी वहाँ पे वहीं पे रहते थे। तो वहाँ पे क्या था, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बहुत सारी सीमेंट की बोरियाँ कंस्ट्रक्शन के लिए आई हुई थी, तो बहुत आंधी तूफान आया तेज बारिश हुई और वो जो टीन उड़ करके कहीं चला गया, मिल भी नहीं जाता चला गया। तो गुरु महाराज जी टीन शेड के नीचे जो एक तख्त था पलंग जिसमें गुरु महाराज जी विश्राम करते थे, तो देखा कि अब तो वो तो चला गया टीन शेड तो है नहीं किंतु ये जो सीमेंट की जो बोरियाँ ये क्या है सेवा की वस्तु है, ये सब की सब मठ की सेवा में लगी हुई। तो गुरु महाराज ने क्या किया उन सब की सब सीमेंट की बोरियों को उस तख्त के नीचे रख दिया और उसको अच्छी प्रकार से पॉलिथीन से कवर कर दिया, नहीं उसको तख्त के ऊपर रख दिया, उसको पॉलिथीन से कवर कर दिया अच्छी प्रकार से और खुद क्या कर रहे हैं तख्त के नीचे शयन किया। दो दिन या तीन दिन लगभग गुरु महाराज इस प्रकार से रहे और गुरु महाराज जी स्वयं वर्णन करते हैं और दो दिन तक कुछ खाने पीने के लिए भी मिला नहीं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी।
इस प्रकार से रहकर के ऐसी परिस्थिति में रहकर के सेवा की जो हम लोग सोच नहीं सकते कि दो दिन तक खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और उसमें भी पहली प्राथमिकता किसको दे रही है? खोजने के लिए तो चलो कहीं जाकर के कुछ खा पी के आ जाए, कुछ कर लें, किंतु प्राथमिकता है कि ये जो सामान रखा है ये चोरी ना हो जाए, ये नष्ट ना हो जाए, ये ठाकुर जी की सेवा की वस्तु है, तो उस प्रकार से पहले उसको क्या करना है, उसका सारा का सारा अरेंजमेंट करना है। तो इस प्रकार से रहकर के सेवा करें। और कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि उनके गुरु जी के अप्रकट होने के पश्चात, अर्थात शिशिमा शिला भक्ति दई माधव गोस्वामी महाराज जी के अप्रकट के पश्चात गुरु महाराज जी को परम गुरु जी ने सेक्रेटरी नियुक्त किया था, जो जीबीसी जो गवर्निंग बॉडी है चैतन्य गवर्नमेंट की, उनमें उनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। तो गुरु महाराज जी उस प्रसंग में एक बात कहा करते, प्रभु जी ने रिमाइंड करवाया कि जो गुरु महाराज जी मायापुर की सेवा कर रही हैं, सीमेंट की बोरियों को कवर कर दिया, कुछ तख्त के नीचे बैठकर भी वहाँ पे उस प्रकार से बैठकर परिणाम कर रहे हैं, तो गुरु महाराज जी एक बात को विचार करते थे। गुरु महाराज जी बोलते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मैं तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, किंतु ध्रुव महाराज कौन थे, उनके जो पिताजी थे पूरे पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, राजकुमार थे, किंतु फिर भी उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा के लिए उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या किया, वन में जाकर के वन के पत्ते खाए, फल फूल गंध करते करते पत्ते खाते खाते बाद में क्या किया, केवल हवा के ऊपर रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वन में अपने जीवन को व्यतीत किया। तो जब वो इस प्रकार से कर सकते हैं तो क्या मैं केवल दो चार दिन के लिए अपने गुरु जी की सेवा के लिए इस प्रकार से रह नहीं सकता? फिर गुरु महाराज जी बोलते कि वो तो ध्रुव महाराज थे, किंतु कृष्ण जो षड ऐश्वर्य के अधिपति हैं, स्वयं भगवान हैं, वो अपने गुरु की सेवा करने का कैसा आदर्श दिखा रहे हैं, कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब उनकी जो सांदीपनी मुनि की जो पत्नी, उन्होंने जब उनको वन में भेजा सुदामा और कृष्ण को कि वन से लकड़ी लेकर के आओ, जब वन में गए तो वहाँ तो बहुत वर्षा हो गई, तूफान आ गया, तो उस समय क्या हुआ, वो किस प्रकार से एक दूसरे का आलिंगन करते, वृक्ष के पास में बैठ करके वर्षा से बचते हुए किस प्रकार से समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो जब भगवान से इस प्रकार से कर सकते हैं गुरु की सेवा करने के लिए, तो क्या मैं थोड़ा सा कष्ट को सह नहीं कर सकता? तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसी प्रतिकूल परिस्थिति है, किंतु प्रतिकूल होने पर भी यहाँ पे गुरु जी किस प्रकार से देख रहे हैं कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि भक्ति के जो 64 अंग हैं, 64 अंगों में से गुरु गोस्वामी बात ने एक अंग का वर्णन किया है, तत् कृपा अवलोकना। यदि आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की घटना घटित हो रही है और आप देखते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे अपने कर्मों का फल है और ये क्या है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं, तत् कृपा अवलोकना, तो ये क्या है, भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग। तो इस प्रकार का गुरु महाराज जी का दर्शन। तो जो प्रसंग मैं कह रहा था किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों की सेवा किया गुरु महाराज जी ने, कि जब जो कलकत्ता का जो मठ है उस मठ का जो प्रस्ताव चैतन्य बड़े मठ के पास में आया, तो जीबीसी के जो अन्य मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स थे, उन सब ने उसमें साइन कर दिया कि हम इस मठ को लेने के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु गुरु महाराज जी उस मठ को लेने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। गुरु महाराज जी निषेध कर दिया, यदि एक मेंबर निषेध कर देंगे, गुरु महाराज जी उसमें साइन नहीं होंगे, तो फिर उस मठ को नहीं ले सकते, तो सबके साइन चाहिए। तो उन्हीं जीबीसी के मेंबर में से एक प्रभुपाद के आश्रित थे श्री जगमोहन प्रभु, उन्होंने गुरु महाराज जी को कहा कि जब 11 जो अन्य सदस्य हैं वो सबके सब एकजुट होकर के साइन करने के लिए प्रस्तुत हैं, साइन करते हैं, तो फिर आप साइन क्यों नहीं करते? तो गुरु महाराज जी ने कहा, कुछ कारण गुरु महाराज ने बताए कि वो कह तो रहे हैं इस प्रकार से मठ आप ले लीजिए, किंतु जब तक ली गई संपूर्ण रूप से वो मठ को चैतन्य गौड़ मठ को नहीं दे देते, ली गई जो भी कारण है जिस प्रकार से होता है, तब तक वहाँ पे इस प्रकार से रहना ठीक नहीं है। कि लीगली तो वो दे रहे थे, लीगली देने को सब तैयार थे, परंतु वो कहते कि जब वो उनके शिष्य वहाँ रहेंगे, वो है पहली बात और भी कारण, वो भी, वो भी, और दूसरा क्या है, उनकी जो जीबीसी जो
जो दूसरा मठ है वहाँ की जो मेंबरशिप में वहाँ पे दो स्त्रियाँ हैं, और जब भी कोई किसी से कुछ लेना पड़ेगा मठ से संबंधित तो बार बार उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा। तो मठ की जो ब्रह्मचारी सन्यासी हर कार्य के लिए बार बार स्त्रियों के साथ उठना बैठना क्या ठीक रहेगा? तो ये भी ठीक नहीं है। और तीसरा कारण बताया आपने कि वहाँ पे जो मठ के जो अन्य आश्रित भक्त भी रहेंगे उनके शिष्य लोग भी रहेंगे, तो फिर क्योंकि वो पर्टिकुलर लीगल इस प्रकार से नहीं है तो कुछ ना कुछ आपस में मतभेद हो सकता है किसी कारण से। तो जब तक संपूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक से मैं साइन नहीं करूँगा। किंतु गुरुवर है श्री जगमोहन प्रभु, तो गुरु महाराज जी को कहा, तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है आप गुरुवर हैं आप आदेश देंगे तो मैं साइन कर दूंगा, किंतु मैं ये नहीं करके रखूंगा कि मैं प्रस्तुत नहीं हूँ, केवल श्री जगमोहन प्रभु के कहने पर ही मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने भी इस प्रकार से साइन किया। जब साइन कर दिया तो कुछ महीने के कुछ समय के बाद क्या हुआ, वहाँ पे वही कुछ झगड़ा आसपास में हुआ कुछ, और होने के बाद वहाँ पे एक मर्डर भी हो गया, और मर्डर होने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ पे क्या कहते हैं देने के देने पड़ गए। तो बैक डेट करके मतलब जिस डेट रजिस्ट्रेशन जो काम किया था उसे बैक डेट करके कुछ ऐसा नहीं हुआ, साइन करके कोर्ट कार्रवाई करके मठ को वापसी उनको दे दिया। तो कैसे गुरु महाराज जी की सूक्ष्म पहले से देख रहे हैं, एक कहते हैं उसको दूरदृष्टिकोण दूरदर्शिता, कि ऐसी ऐसी असुविधा हो सकती है, मठ का नाम खराब हो सकता है, ऐसी असुविधाएं आ सकती हैं, तो पहले से क्या करना चाहिए किस प्रकार से चलना चाहिए। तो सारे के सारे इस प्रकार से गुरु महाराज को तो कोई असुविधा नहीं होगी कि अगर इस प्रकार को मानते हैं तो हम लोग ले लेंगे, अगर नहीं मानते तो फिर तो असुविधा होगी। किंतु उस समय पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार के विचार उठाए, ये क्या है श्री श्रीमद भक्ति मतलब के विरोधी हैं, क्योंकि वो साइन कर रहे हैं सब लोग साइन के लिए साइन ही करना चाहते हैं, किंतु वो अपने गुरु जी की सेवा के लिए कैसा दृष्टिकोण देख रहे हैं और कैसी उनकी आपस में आत्मीयता है अपने गुरु भाई के साथ, उसका दर्शन सब लोग नहीं कर सकते। किंतु गुरु महाराज का दृष्टिकोण एक अलग प्रकार का, और बाद में हुआ उस प्रकार से कि उनको वापस मठ वापस देना पड़ा। किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में गुरु महाराज कहा करते थे कि जब मैंने सेक्रेटरी सचिव का दायित्व मैंने अपने करने पे लिया तो मैं समझ गया, इस प्रकार से कुछ कहते थे कि सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, यदि आप सेवा करने के लिए जाएंगे तो बहुत से लोगों के स्वार्थ में बाधा आएगी, और जब बाधा आएगी तो क्या करेंगे, आप भी निंदा करेंगे, लांछन गांजन सब सबका सब आप पर लगेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए सब समय गुरुवर्गों के विचारों को लेकर के ही सेवा करना पड़ेगा। जैसे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि मैं कभी भी यस मैं नहीं था कि हाँ मैं हाँ, किसने बोल दिया मैं उसको स्वीकार करूंगा, इस प्रकार से नहीं होगा। जब मैं उसको देखूंगा संपूर्ण रूप से सेवा के अनुकूल है, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के अनुकूल है, तभी क्या करूंगा मैं उस कार्य को करूंगा। जैसे कि गुरु महाराज जी बताया करते थे कि जब वृंदावन में एक समय प्रदर्शनी लगी थी और वहां पे प्रदर्शनी के लिए क्या किया गया था, स्वयं परम गुरु जी कह रहे हैं श्री भक्ति दैत माधव गोसे महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करना दो पंक्तियां बनाना। गुरु महाराज जी ने पत्र लिखा कि दो पंक्ति नहीं तीन पंक्ति बनाने से अच्छा होगा, किंतु परम गुरु जी ने फिर से कहा कि नहीं नहीं दो ही पंक्ति बनाना। अब विचार करने की बात है, साक्षात गुरु आदेश दे रहे हैं और गुरु जी ने एक बार नहीं बोला दो बार बोल दिया कि दो पंक्ति ही बनाना, किंतु दो बार बोलने के बाद भी सुनने के बाद भी गुरु जी ने वहां पे क्या किया तीन पंक्ति बनाई, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि सेवा के वहां पे क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि वहां पे सेवा के अनुकूल क्या रहेगा। तो वहां पे तीन पंक्ति बनाई, तीन पंक्ति बनाने के बाद परम गुरु जी जब आए तो देखा तीन पंक्ति तो कहा चलो ठीक है तीन पंक्ति बना दिया कोई बात नहीं, मैंने दो कहा था। और फिर अभी पांच दिन की प्रदर्शनी है, एक दो दिन के बाद इतना रश हो गया इतना भीड़ बढ़ गया, क्योंकि चेतन्य गवर्नमेंट वृंदावन में पूरे वृंदावन में पहली बार इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी का वहां पे आयोजन किया गया था, तो पूरा पूरा का पूरा भर गया और वहाँ के बड़े बड़े लोग वृंदावन के वो लोग पत्र लिख रहे हैं परम गुरु जी को कि हम लोग दर्शन में आना चाहते हैं, हम लोग वृद्ध हो गए हैं और इतनी भीड़ में हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर परम गुरु ने कहा कोई बात नहीं आप दर्शन के लिए आ जाइए, हमारे पास आपके लिए दर्शन कराने की अलग से व्यवस्था है। तो जब वो लोग आए बड़े बड़े लोग आए, मैं भी नाम बोल रहा हूँ अतुल कृष्ण गोस्वामी, इस प्रकार से बड़े बड़े लोग आए थे, आनंद महिमा काटिया बाबा इस प्रकार से था कुछ, स्वयं परम गुरु जी उनको ले जाकर के एक एक प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उस रो में से जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है खाली है, लेकर के जाकर के दर्शन करवा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और पांच दिन के बाद परम गुरु जी ने क्या बोला, पांच दिन के बाद परम गुरु जी ने बोला कि 22 बार बहुत बढ़िया। किंतु उस समय भी गुरु महाराज की निंदा करी गई लोगों ने, क्या बोला
कि गुरु मुख पद्म वाक्य कीर्तन तो डेली गाते हैं किंतु गुरु मुख पद्म वाक्य का पालन नहीं करते। किंतु गुरु मुख पद्म वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो सबके लिए समझना संभव नहीं है। जो सिंसियर है, जो निष्कपट है, वही इस बात को समझ सकता है। नहीं तो हमारी तो पूरी गुरु परंपरा में देखा जाए शायद भक्तिनो ठाकुर जी कह रहे हैं गुरुवाद जी को कि मठ मंदिर मत बनाना, किस गुरुवाद ने बनाया तो क्या उन्होंने गुरु मुख पद्म वाक्य का पालन नहीं किया? उनकी जो दीक्षा गुरुपाद पर और विश्व प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं कलकत्ता में मत जाना, किंतु गुरुपाद ने क्या किया? कलकत्ता में जाकर ही पहला मठ बनाया। गुरुपाद परम गुरु जी को बोल रहे हैं तुम घर चले जाओगी, तुम्हारी माता का लेटर आया है, किंतु तुम्हारे परम गुरु क्या कर रहे हैं एक कमरे में जाकर के अपना हरिनाम कर रहे हैं, कभी घर में नहीं गए। तो यहाँ पे कोई अवज्ञा हुई नहीं, यहाँ पे क्योंकि अपने गुरु के वास्तविक हृदय को जानते हैं, गुरु क्या चाहते हैं। इसमें सब वस्तु का प्रवेश सब लोगों का प्रवेश नहीं होगा, सब लोग इस बात को नहीं जान पाते कि यहाँ पे कौन सी वस्तु सेवा के लिए किस प्रकार से अनुकूल है। जो एक्सपर्ट है केवल वही जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज जी ने बहुत सी प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो सब समय उनका एक सेवा में ही जीवन रहा। कथा के माध्यम से उन्होंने सब लोगों में क्या किया, प्रचार भी किया, उनको उत्साह प्रदान भी किया। कभी समय हो गया मार्च श्री गुरु चरणा पदा केवल भक्ति सद्मा Bye.
है।